दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने आरओ के पानी को उसकी हार्डनेस को सेट कर सकते हैं, यानी कि उसके टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट में आपको जो है टीडीएस रेगुलेटर अवेलेबल है, मिलता है, जो आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके आरओ सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो। एक्चुअली ये टीडीएस सिस्टम जो है फ्लो कंट्रोल करता है पानी को, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, ये नॉब है, इसके नॉब को जैसे हम टाइट करेंगे तो ये फ्लो कंट्रोल जो है पानी का जो फ्लो है उसको स्लो कर देगा, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये फ्लो को जो है पानी के फ्लो को बढ़ा देता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बिफोर फिटिंग दिस टीडीएस कंट्रोलर, इसको फिट करने से पहले जो मेरे मेम्ब्रेन के अंदर से टीडीएस है, आउटपुट है, वो कितना निकल रहा था। तो एक्चुअली ये मेरा मेम्ब्रेन है आरओ सिस्टम का, और इस आरओ सिस्टम का जो आउट, ये इनपुट है इसका और ये आउटपुट निकल रहा है। तो इसके पानी को मैं चेक करता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट रेगुलेटर लगाने से पहले इसके अंदर कितना टीडीएस है। एक्चुअली क्या है कि लो टीडीएस का पानी पीने भी जो है हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो मैंने जो चेक किया है मेरा अपने आरओ सिस्टम का पानी, उसमें इस एट प्रेजेंट उसके अंदर टीडीएस 6 से 7-8 के करीब है। तो मुझे ये इम्प्रूव करना है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स जो हैं बिल्कुल नहीं है इस वाटर के अंदर, तो उसकी टीडीएस मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैं अपने आरओ सिस्टम के अंदर टीडीएस कंट्रोलर लगाऊंगा। ये टीडीएस कंट्रोलर मैंने, ये जो ब्लू पाइप होता है जो आउटलेट जहाँ से पानी वेस्ट होकर गिरता है मेम्ब्रेन से, और उसका एक पाइप जो है हमारा मेम्ब्रेन के अंदर इन होता है, तो इस पाइप के बीच में मैंने कट करके उसको लगा दिया है अपने रेगुलेटर को, टीडीएस रेगुलेटर को, और इसके फ्लो को अब मैं धीरे धीरे कंट्रोल करूँगा, और साथ ही साथ जो है इसके टीडीएस को भी चेक करता रहूँगा कि मेरे अब इसमें से जो मेम्ब्रेन से जो पानी आ रहा आउटलेट है वो कितने टीडीएस का है। तो पहले मेरा जो है 6 TDS था इनिशियली, अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ, जैसे अभी 22-23 पे आ गया है, और मैं फर्दर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहूँगा, थोड़ा सा और टीडीएस बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए मोर देन 30 TDS का पानी जो है अच्छा रहता है कि हम 30 से 40-50 के करीब का टीडीएस का पानी पिए। तो इसको नॉब को मैंने थोड़ा सा और टाइट कर दिया है, और इसके जो है अब टीडीएस जो है मैं इसको मेजर कर लेता हूँ कि कितना आ रहा है। तो फाइनली जो इसके अंदर से टीडीएस आता है वो रीडिंग जो है अभी फर्दर कुछ टाइम बाद जो है इम्प्रूव होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ पानी है जो सर्कुलेट में है, सर्कुलेशंस के अंदर है। तो वो पानी जब ये फ्लो हो जाएगा और टोटली जो है, तो कम से कम 1.5 घंटे बाद ये जो है आपका टीडीएस जो है और बढ़ेगा आपका। तो अभी जैसे मैंने ये 24 TDS पे अपना जो है आरओ सिस्टम जो है सेट किया है, और फाइनली जब मैंने इसके आफ्टर 12 आवर जब पानी को चेक किया तो इसका 43 TDS आया, जो काफ़ी अच्छा है और ड्रिंकेबल है, और ये जो है रिकमेंडेड भी है कि आप जो है 30 से 40 के ऊपर का टीडीएस का पानी पीजिए, क्योंकि इसमें जो भी हमारे बॉडी में एसेंशियल मिनरल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सभी जो है आपका अवेलेबल रहता है, आपको जो है पानी के साथ मिलते हैं। अगर आपके आरओ सिस्टम में ये टीडीएस कंट्रोलर नहीं है तो आप इसको फिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स यू।